हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक कीपिंग हेल्दी एंड क्लीन। सो स्टूडेंट्स, हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें फूड इनटेक करना चाहिए और हमें अपनी बॉडी को प्रॉपरली क्लीन रखना चाहिए। व्हाट इज़ फूड? फूड क्या होता है? फूड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जैसे हम लोग हैं, उसे कंज्यूम करते हैं, मतलब खाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को सपोर्ट मिले। ठीक है, फूड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से मिलके बनता है। अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड? कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के फूड होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड होता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है? ग्रोथ प्रोवाइड कराता है। एंड प्रोटेक्टिव फूड एक ऐसा टाइप का फूड होता है, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिससे जो भी इलनेस होता है, बीमारियों से होता है, या फिर जो भी डिसीज कॉज करता है ऑर्गेनिज्म, उससे फाइट करता है प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, वेयर डज द फूड कम्स फ्रॉम? फूड कहाँ से आता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। फूड कम्स फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स। फूड कम्स फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स, वेजिटेरियन फूड आइटम्स, नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स। सो वेजिटेरियन फूड आइटम्स हमें किससे मिलता है? प्लांट्स से, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, राइस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेरियन फूड आइटम्स। नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स जो हमें एनिमल्स से मिलता है, लाइक मीट एंड फिश। सो प्लांट्स हमको किससे मिलता है? सॉरी, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। हमें जो फूड है किससे मिलता है? जो मैंने अभी आपको बताया था, प्लांट्स से मिलता है। और हमें फूड किससे मिलता है? एनिमल्स से मिलता है, राइट? Why do we need food? अब हमें फूड की क्या ज़रूरत है? फूड इसलिए हमारे लिए ज़रूरत है क्योंकि फूड हेल्प अस ग्रो, कीप अस हेल्दी एंड गिव अस एनर्जी। दैट इज why we need food. दिस वे फूड हेल्प अस टू ग्रो। इस तरीके से फूड जो है हमारी हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। देखो, पहले हम बहुत छोटे होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, हमारी जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज होने लगती है। ये देखिए, हम लोग क्या बन जाते हैं? धीरे धीरे एडल्ट बन जाते हैं। तो फूड हमारे इस तरीके से हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड सच एज शुगर, ब्रेड, राइस, डोसा, पटेटोज, चपाती, इन सबसे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, राइट? जिससे कि हम अपना वर्क अच्छे से कर पाते हैं, प्ले करते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड में हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है वो हमको किस चीज़ में हेल्प करता है? ग्रो करने में हेल्प करता है। जैसे एग हो गया, मिल्क हो गया, और मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो। ये किसके एग्जांपल्स हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड के एग्जांपल्स हैं, राइट? नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का क्या एग्जांपल्स हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव फूड के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डाइट? डाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? द फूड दैट वी ईट एवरी डे, जो फूड हम हर रोज खाते हैं वो क्या होता है? डाइट होता है, ठीक है? नाउ व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? ए डाइट दैट इंक्लूड एटलीस्ट सम फूड सच एज एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। हम उसी को क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट। सो वी मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट टू स्टे हेल्दी एंड फिट। नेक्स्ट, वी शुड ऑल्सो ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। कीपिंग हेल्दी, ए बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज, गुड पोस्चर कीप अस हेल्दी एंड फिट। कीपिंग क्लीन, वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन टू स्टे हेल्दी एंड फिट। देर आर सम वेज फॉर अस टू स्टे क्लीन एंड हेल्दी। जैसे हम अपनी बॉडी को कैसे क्लीन कर सकते हैं? टेकिंग अ बाथ, कॉम्बिंग हेयर, ब्रशिंग टीथ, ट्रीमिंग नेल्स, वॉशिंग फेस, और वियरिंग क्लीन क्लोथ्स, ठीक है? और हम सबको हेल्दी फूड खाना चाहिए।
नेक्स्ट, वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी. हम सबको गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम लोग क्या रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें. ठीक है, हमें जल्दी से मॉर्निंग में उठना चाहिए, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हमें रोज़ टीथ को ब्रश करना चाहिए. ठीक है, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. ठीक है, रोज़ हमें बाथ लेना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए डेली. ठीक है, और हमें अपने मील बिफोर एंड आफ्टर मील, मतलब खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हमें अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना चाहिए. राइट, हमें सारे मील्स प्रॉपर टाइम पे लेने चाहिए. थैंक यू सो मच टू ऑल.